आगे बढ़ेंगे। सीएम गहलोत आज जोधपुर दौरे पर, सुबह 11:30 बजे सीएम गहलोत का जोधपुर पहुंचने का कार्यक्रम है। जोधपुर को कई विकास कार्यों की सौगात देंगे मुख्यमंत्री गहलोत। राजकीय महाविद्यालय में विकास कार्यों का लोकार्पण भी करेंगे। डिजिफेस्ट, जॉब फेयर और प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे। सीएम गहलोत का शाम को अहमदाबाद जाने का कार्यक्रम है। उगरी नगर के दौरे पर मुख्यमंत्री गहलोत और वहां जाने का मकसद के जोधपुर वासियों को खासतौर पर कई बड़ी सौगातें देना। देखिए जिस तरह से कर स्टोन मार्ट 2022 का उद्घाटन भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कर कमलों द्वारा किया गया। कई बड़ी सौगातें देखिए, इस साल की बात की जाए तो वो हमारे प्रदेश को मिली है। सिटी पार्क का भी उद्घाटन और शुभारंभ किया गया। देखिए जयपुर में वो पार्क भी अपने आप में एक बड़ा पार्क, क्योंकि खासियत उस पार्क की। और अब जोधपुर को बड़ी सौगातें मिलने वाली है। देखिए आज डिजिफेस्ट, जॉब फेयर और प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जिसके बाद शाम को अहमदाबाद जाने का कार्यक्रम है। आज जोधपुर पहुंचेंगे और शाम को अहमदाबाद जाएंगे। अब अहमदाबाद जाने के पीछे का कारण स्पष्ट है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अहमदाबाद पहुंचेंगे। गुजरात विधानसभा चुनाव जो कि बेहद ही नजदीक है, अब कुछ ही दिनों का वक्त बचा है, क्योंकि पूरा महीना भी अब नहीं बचा है। और ऐसे में अब हर कोई अपनी ओर से प्रयासरत है चुनाव में बड़ी जीत हासिल करने के लिए। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सीनियर ऑब्जर्वर पार्टी ने बनाया है। ऐसे में कई दौरे गुजरात के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कर चुके हैं। एक महीने के भीतर कई बार गुजरात दौरे पर रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। और ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मीडिया से बातचीत में ये भी कह चुके हैं कि जनता जो है गुजरात की, वो बेहद ही प्यार। इस दौरान जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वहां पहुंचते हैं तो जनता बेहद उत्साहित भी नजर आती है और प्यार जो है जनता का उनके प्रति कहीं ना कहीं नजर आता है। चलिए अब इसी पर हमें अधिक जानकारी देंगे हमारे सहयोगी राजीव गौड़, हमसे जुड़ गए हैं। राजीव जी, आपसे जानना चाहेंगे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज गृहनगर जोधपुर के दौरे पर हैं, बहुत से विकास कार्यों की सौगात देंगे, क्या क्या वो विकास कार्य रहेंगे और क्या पूरा कार्यक्रम रहेगा, क्या शेड्यूल रहेगा, आपसे जानकारी चाहेंगे। देखिए शिखा, जिस तरीके से प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दीपावली पर आना चाहते थे वो आ नहीं पाए, और देखिए बीच में और दौरा बना था, नहीं आ पाए। आज मुख्यमंत्री जोधपुर रहेंगे, कल एक दिन के लिए अहमदाबाद जाएंगे, लेकिन फिर परसों जोधपुर रहेंगे। इस दौरान आज अगर सबसे बड़ी बात करें तो एक रोजगार को लेकर के एक बड़ा फेयर है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को लेकर के एक जो सौगात, उसका शिलान्यास करेंगे। एक ही जगह तमाम जो स्पोर्ट्स होंगे, और उन्होंने कहा भी था कि इस बार का बजट जो है खेल को, युवाओं को जिस तरह से समर्पित रहेगा, तो उस लिहाज से इस प्रोजेक्ट जो खेल कॉम्प्लेक्स जिसकी बात कर, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं, वो काफी महत्वपूर्ण है। कल जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने तैयारियों का जायजा लिया है, और देखिए संभागीय आयुक्त के सी मीना ने भी जायजा लिया, पुलिस कमिश्नर रजत गौड़ ने सुरक्षा के लिहाज से। लेकिन बड़ी बात यह कि जो उन्होंने कहा है वो अपने कमिटमेंट के प्रति हमेशा कमिट रहे हैं। जो उन्होंने कहा उन्होंने किया है, उस लिहाज से स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खिलाड़ियों के लिए काफी महत्वपूर्ण सौगात है। उसके अलावा एक रोजगार फेयर जहाँ पे खूब सारी बड़ी बड़ी कंपनियां चाहेंगी, उसका वो अवलोकन करेंगे। तीन दिनों तक वो मेला चलेगा, जिसके अंदर पिछली बार 16,000 से ज्यादा आए थे, इस बार उम्मीद है 60,000 तक रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, तो ये बड़ी बात रहेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आज अहमदाबाद जाने का कार्यक्रम है, उसके बाद कल अहमदाबाद जाएंगे, परसों वापस जब जोधपुर आएंगे तो खूब सारी सौगातें भी देंगे, कुछ सामाजिक सरोकार के कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जोधपुर दौरे को देखते हुए जोधपुर वासियों में खासा उत्साह है। खासतौर पर एयरपोर्ट की बात करें, लोग अपनी फरियादें लेकर के आते हैं, चिर परिचित इंतजार। जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सांसद दुआ करते हैं, तब से लेकर उनकी जनसुनवाई करने का जो एक दौर है वो आज भी जारी है। लोगों को पूरा विश्वास होता है कि जो काम किया तो काम करते भी है। ये शिका राजीव जी, आपसे ये भी जानकारी चाहेंगे कि जो डिजिफेस्ट जॉब फेयर है उसको लेकर आपसे जानकारी चाहेंगे कि क्या ये पूरा फेयर है, किन मुद्दों पर ये समर्पित है, और साथ में क्या यहाँ पे जोधपुर वासी ही इस फेयर में भाग ले सकते हैं या फिर प्रदेश से भी, दूर दराज से भी लोग यहाँ पर पहुंचेंगे फेयर में। देखिए सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग द्वारा ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जो आईटी सेक्टर में जितने भी जो रोजगार पाना चाहते हैं तो आईटी सेक्टर की तमाम कंपनियों को यहाँ बुलाया जाता है, और इतना बड़ा वो सेंटर और डेवलपमेंट किया गया है जिससे कि कोई भी व्यक्ति, वैसे पूरे राजस्थान के लिए कोई भी आ सकता है। मोस्टली अभी तक जो रजिस्ट्रेशन आए वो पश्चिमी राजस्थान के, जोधपुर संभाग के जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, चारों से पाली उधर के आए हैं,
लेकिन उसमें छूट सब तरह की है। जिस तरह से उसको डिजाइन किया गया उससे लगता है कि हजारों लोगों को रोजगार की जो एक समस्या चल रही थी उसके समाधान में एक बड़ा एक मील का पत्थर साबित होगा ये जो फेयर। जी बिल्कुल राजीव जी, कहीं ना कहीं मील का पत्थर साबित होगा क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार बेरोजगारी का मुद्दा स्वयं भी उठाते हैं, ऐसे में ये फेयर देखने वाला होगा और बड़ी सौगात एक तरह से। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।